खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ दौरा आज है और 3 दिवसीय जीबीसी 4.0 का आज उद्घाटन होगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में करेंगे उद्घाटन। 10 लाख करोड़ की 14,000 निवेश परियोजनाएं हैं। निवेश परियोजनाओं की रखी जाएगी आज आधारशिला। उत्तर प्रदेश में 35 लाख रोजगार का होगा सृजन। पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधे आईजीपी पहुंचेंगे। पीएम के लिए आईजीपी में विशेष लाउंज तैयार किया गया, जहां तमाम निवेशकों से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे और वहीं प्रदर्शनी स्थल का भी पीएम मोदी अवलोकन करेंगे। तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर तैयारियां पूरी है और इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब निवेश के महाकुंभ में वे पहुंचेंगे। और 3 दिवसीय ये जीबीसी सेरेमनी है, जहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इसका उद्घाटन होगा। 10 लाख करोड़ की 14,000 निवेश परियोजनाएं हैं। निवेश परियोजनाओं की आधारशिला आज रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश में 35 लाख रोजगार का सृजन होगा इस जीबीसी से, जहां पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधे आईजीपी पहुंचेंगे। पीएम के लिए आईजीपी में विशेष लाउंज तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की बहुप्रतीक्षित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 आज होने जा रही है। हम खड़े हैं ग्राउंड जीरो पर। ये वही हैंगर है जहां प्रधानमंत्री मोदी आज 10 लाख करोड़ से ज्यादा की 14,000 से ज्यादा परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं वो तस्वीरें जहां पर पूरी तरीके से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब से थोड़ी देर बाद यहां पर जो आयोजन है वो धीरे धीरे शुरू होंगे, क्योंकि सांस्कृतिक आयोजन भी होने हैं। उसके अलावा जो बड़े पैमाने पर अतिथि देश विदेश से यहां पहुंच रहे हैं, उनके रुकने खाने और बाकी चीजों के इंतजाम भी यहां पर बेहतर तरीके से किए गए हैं। हालांकि चीजें अब बेहतर ढंग से हों उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार यहां पर कैंप कर रहे हैं, लगातार चीजों को देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये वही मुख्य रास्ता है जहां से प्रधानमंत्री आएंगे और आने के बाद ये एंट्री होगी जहां से प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में अंदर पहुंचेंगे और जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार का शुरू होगा अब तक का सबसे बड़ा आयोजन। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की जा चुकी हैं और जिसमें 2,10,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं और बाकी पर लगातार काम चल रहा है। हालांकि आज की जो आयोजन है उस आयोजन में 10 लाख करोड़ मतलब सीधे तौर पर जो अब तक के एमओयूज जमीन पर उतरे हैं उससे 5 गुने से ज्यादा आज एमओयूज जमीन पर उतरने जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। हालांकि उस दौरान देश विदेश के बड़े पैमाने पर प्रतिनिधि होंगे, कई कंपनियों के प्रमुख होंगे, कई उच्चायुक्त होंगे, साथ ही साथ विभिन्न देशों के राजदूत भी होंगे, जिसके जरिए से एक मैसेज देने की कोशिश होगी उत्तर प्रदेश सरकार की। उत्तर प्रदेश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर काम कर रहा है और जल्द ही उत्तर प्रदेश विकास की श्रेणी में खड़ा होगा और उस कहीं न कहीं लक्ष्य को अचीव करेगा जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चल रहे हैं। न केवल इस पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो कि पिछले इन्वेस्टर समिट के बाद होने जा रही है उसमें बड़े पैमाने पर निवेश आएगा, बल्कि 34 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। कैमरा मैन अमित शाहनी के साथ में इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ।